हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आयशा केक्स एंड क्राफ्ट। आज की वीडियो में मैं लेकर आई हूँ एगलेस क्रिसमस केक। आज हम इसको बिना अल्कोहल के ही बनाएंगे। ये बहुत ही सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनता है। आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। सबसे पहले इसके लिए ड्राई फ्रूट सोक करना है। ड्राई फ्रूट सोक करने के लिए सारे ड्राई फ्रूट्स को एक बड़े बाउल में लेकर उसमें जूस डालकर इसको सोक करना है। आप जूस की जगह पर रम भी ले सकते हैं। मैंने इसमें मिक्स फ्रूट जूस लिया है। आप मिक्स फ्रूट की जगह पर ऑरेंज जूस भी ले सकते हैं। फ्रेंड्स, मेरे पास टाइम नहीं है तो मैं इसको 6 से 7 मिनट के लिए माइक्रोवेव करूँगी। अगर आपके पास टाइम है तो आप इसे ओवरनाइट रख दीजिए। फिर इसके लिए हम कैरेमल सॉस तैयार करेंगे। कैरेमल सॉस तैयार करने के लिए मैंने एक पैन में आधा कप गुड़ लिया है। गुड़ को लो फ्लेम पे मेल्ट करना है और इसको लगातार चलाते रहना है जिससे कि ये जले नहीं। गुड़ हमारा धीरे धीरे मेल्ट होने लगा है। जब ये पूरी तरह से मेल्ट हो जाए तो ये बबल फॉर्म में आने लग जाता है। गुड़ जब मेल्ट होता है ना तो इसकी खुशबू बहुत ही अच्छे से आती है। एकदम बबल फॉर्म में आ चुका है। ये हमारा अच्छे से मेल्ट हो चुका है। अब हम इसमें 1/4 कप वाटर ऐड करेंगे। वाटर ऐड करने पर इसको लगातार चलाते रहना है। वाटर डालने पर इसका कलर भी चेंज हो जाता है, थोड़ा डार्क कलर आ जाता है इसका। इसको लगातार चलाते हुए जब तक ये पूरी तरह मिक्स ना हो जाए इसको मिक्स करते रहना है। जब ये पूरी तरह से मिक्स हो जाए तो हम 1 मिनट के लिए इसको और बॉईल करेंगे। बॉईल होने के बाद हम गैस को ऑफ कर देंगे, लेकिन इसको फिर भी हम थोड़ा सा चलाते रहेंगे। और इसका कलर बहुत ही अच्छा आया है। हमारी कैरेमल सॉस तैयार है। अब हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे जिससे कि यह रूम टेम्परेचर पर आ जाए। अभी ये बहुत ही गर्म है। इसका कलर बहुत ही प्यारा आया है। बहुत ही अच्छी कैरेमल सॉस बनके तैयार हुई है। अब आगे की रेसिपी के लिए इंग्रेडिएंट्स देखते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए 1.5 कप मैदा, 1/2 कप बटर, कैरेमल सॉस, सोक्ड ड्राई फ्रूट्स, 1/2 कप टूटी फ्रूटी, 1/4 कप कर्ड, 1/2 कप पाउडर शुगर, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और केक मसाला। सबसे पहले हमें एक बाउल चाहिए। बाउल में हम 1/2 कप बटर लेंगे। बटर हमारा रूम टेम्परेचर पर ही होना चाहिए। अब हम इसमें 1/2 कप पाउडर शुगर ऐड करेंगे। इसके बाद हमने जो कैरेमल सॉस तैयार करा था वो पूरा सॉस हम इसमें डालना है और इनको डालकर आपस में बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करना है। अभी यह बैटर हमारा ठीक है तो हम इसमें 1/4 कप कर्ड ऐड कर लेंगे। वन फोर्थ कप कर्ड ऐड करने के बाद इसको मिक्स करेंगे। यह अच्छे से मिक्स हो रहा है। थोड़ा लिक्विडी फॉर्म में आ जाएगा कर्ड मिक्स करने से। अब इसमें हमने जो ड्राई फ्रूट सोक कर रहे थे उनको डालना है और इनको भी डालकर इसको मिक्स कर लेना है। ड्राई फ्रूट्स हमारे बहुत ही अच्छे से सोक हुए थे, मैंने इनको माइक्रोवेव किया था। और इसमें 1/2 कप टूटी फ्रूटी, मैंने रेड और ग्रीन टूटी फ्रूटी ली है। आप कोई भी कलर की ले सकते हैं। और थोड़ी सी टूटी फ्रूटी मैंने बचा ली है, लगभग 1 टेबलस्पून के करीब। ये हमारा मिक्स हो चुका है। अब हमें इसमें मैदा डालना है, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा डालना है। इनको भी डालकर सॉफ्ट हैंड से बहुत अच्छा से इसको मिक्स करना है। इसको ओवर मिक्स बिल्कुल भी नहीं करना है, एकदम सॉफ्ट हैंड से मिक्स करना है। अभी बैटर हमारा बहुत थिक है। आप इसमें मिल्क ऐड कर सकते हैं, वाटर भी ऐड कर सकते हैं। मैंने 1/4 कप इसमें वाटर ऐड किया है। बैटर हमारा रेडी हो चुका है। अब हम इसके स्पाइसेस इसमें ऐड करेंगे और इसको भी बहुत अच्छे से इसमें मिक्स कर लेंगे। स्पाइसेस भी इसमें मिक्स हो चुके हैं। थोड़ा सा स्पैचुला की हेल्प से इसको मिक्स कर लेना है। बैटर हमारा रेडी हो चुका है। इसका खुशबू बहुत ही अच्छा आता है।
आप इसमें थोड़ा सा जिंजर पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, मैंने उसको स्किप किया है। इसको अब हम केक टिन में ट्रांसफ़र करेंगे। मैंने इसके लिए 8 इंच का केक टिन लिया है। इसका बैटर बहुत पतला नहीं होता है, इसको थोड़ा सा थिक ही रखना है। केक टिन में ट्रांसफ़र करने के बाद इसको 2 से 3 बार टैप करेंगे। टैप करने से इसके अंदर का एयर निकल जाता है। अब इसको ऊपर से टूटी फ्रूटी डालेंगे, ड्राई फ्रूट्स डालेंगे, आलमंड्स वगैरह जो भी आपको डालने हैं। इसके ऊपर मैंने बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स लगाए हैं, इससे केक का लुक बहुत ही अच्छा लगता है। डेकोरेशन आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स भी आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। थोड़े चेरीज इसमें डाले हैं मैंने, थोड़े रेजिन्स, ब्लैक रेजिन्स इसमें डाले हैं। ये देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा है। अब हमारा केक बेक होने के लिए रेडी है। हम इसको 180 डिग्री प्री हीटेड अवन में 45 मिनट के लिए 150 डिग्री सेंटीग्रेड पर बेक करेंगे। केक हमारा बहुत ही अच्छे से बेक हो रहा है। 45 मिनट में मेरा केक बेक हो चुका है। अब हम इसमें टूथपिक डालकर चेक करेंगे। टूथपिक क्लीन निकलता है तो केक बहुत अच्छे से बेक हो चुका है, अगर क्लीन नहीं निकलता है तो 5 मिनट्स के लिए इसको हम और बेक कर लेंगे। लेकिन मेरा 45 मिनट में बहुत अच्छे से बेक हो चुका था। इसको हम ठंडा करने के लिए ऐसे छोड़ देंगे। केक हमारा ठंडा हो चुका है तो इसको नाइफ की हेल्प से साइड से थोड़ा सा हटाएंगे और इसको हम डीमोल्ड कर लेते हैं। केक बहुत ही अच्छे से बेक हुआ, इसका कलर भी बहुत ही अच्छा आया है। ये बहुत ही सॉफ्ट और स्पॉन्जी बना है। इसका खुशबू बहुत ही अच्छा आ रहा है, इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है। आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत ही अच्छा बना है। मैंने इसको मैदा के साथ बनाया है, आप इसको आटे के साथ भी बना सकते हैं। अब मैं इसको काट के दिखाती हूँ। बहुत ही सॉफ्ट बना है, बहुत ही अच्छा बेक हुआ है, एकदम स्पॉन्जी। इसको एकदम ठंडा होने पर ही काटना है। बहुत ही अच्छे से बेक हुआ है, इसके बीच में ड्राई फ्रूट्स बहुत ही सुंदर दिख रहे हैं, बहुत ही सॉफ्ट एंड मॉइस्ट। फ्रेंड्स, इस रेसिपी को आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर रेसिपी पसंद आती है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।